नमस्कार, टेक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी कौन सा है। जी हाँ, कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि मेरे पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या ईमेल आईडी कौन सा रजिस्टर्ड है, क्योंकि कई बार ओटीपी आता है तो नहीं पता होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड में मोबाइल नंबर एवं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कौन सा है। तो इसके लिए आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अपने सिंपल गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है पैन कार्ड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड डाउनलोड, यहाँ पे देखिए ऊपर में आ गया। हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक NSDL का आएगा डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, और एक UTI का आएगा। अगर आपका NSDL से है तो NSDL पर क्लिक करेंगे, अगर UTI से है तो UTI पर क्लिक करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा NSDL का है या UTI का है? तो इसके लिए आपको पैन कार्ड के बैकग्राउंड को देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आपका NSDL होगा तो देखिए यहाँ पे NSDL शो कर रहा है, आप NSDL वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अगर UTI का होगा तो यहाँ पे देखिए UTI से होगा तो यहाँ पे UTI TSL लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, जिससे होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि NSDL है UTI, आपका जो उस पर उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरा NSDL है तो हम क्या करेंगे, NSDL वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, और NSDL वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक एक्नॉलेज नंबर, एक पैन नंबर। अर्थात अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो उस नंबर से यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर डाल देंगे, और अगर पैन कार्ड बन चुका है तो यहाँ पे पैन नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। इंडिविजुअल बिजनेस पैन कार्ड है तो यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद GSTN है, मतलब GST का रजिस्ट्रेशन रहती है तो यहाँ डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल में नहीं डालना। उसके बाद में यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक टिक ऑन टिक है, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पैन कार्ड का डिटेल्स डाल दिया, उसके बाद नीचे कैप्चा डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पैन नंबर खुल गया। ठीक है, आपका पैन नंबर पूरा दिख रहा होगा, उसके बाद में मोबाइल नंबर जो है उसका लास्ट अंक यहाँ पे शो कर रहा होगा। ईमेल आईडी मेरे में नहीं पंजीकृत है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। पिन कोड जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जिप कोड यहाँ पे नॉट अवेलेबल है तो नहीं दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे जो मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी शो कर रहा है यही आपका पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।